राजस्थान के क्रिकेट कमेटी महिला उसके अनुभव में आईपीएल होने के लिए जो प्री रिक्विजिट है उसकी तैयारी का काम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जो उनकी रिक्विजिट है हमसे एक्सपेक्टेड है उतना काम हो जाएगा। नए सिरे से अच्छे आईपीएल के मैच होंगे आने वाले समय में और दूसरे क्रिकेट के मैच होंगे। अच्छे कमेटी बनाने की बात है कि सबको साथ लेकर काम करेगी, ये कमेटी बनाई जा रही है और एडवाइजरी कमेटी भी आपने बनाई है, इसके पीछे क्या मतलब? BCCI सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद BCCI की फंक्शनिंग में परिवर्तन हुआ। उन्होंने खुद में लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में एक नई चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट की है, फंक्शनरीज और एग्जीक्यूशन दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए। उन्होंने NBCCI के रोल ऑफ CEO और इसीलिए आपने देखा होगा कि BCCI के अभी जो पदाधिकारी हैं और CEO हैं उन दोनों के फंक्शन में जमीन आसमान का, तो एक नए सिरे से रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है फंक्शनिंग का BCCI। उसी के अनुरूप हर प्रदेश की क्रिकेट डिसीजन को करना पड़ेगा। हमें ये मौका मिला है, हम आशा करते हैं कि राजस्थान ने लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशन को भी माना है। BCCI की जो एक्सपेक्टेशन है जिस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी को एड्रेस करने के लिए जो सजेस्ट कर रहे हैं उसको भी हम लागू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा अवसर मिला है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट BCCI से एक्सपेक्ट कर रही है वो राजस्थान पहला स्टेट होगा जो सब चीज़ों को लागू करेगा। राजस्थान कई क्रिकेट प्रेमी को आईपीएल में मौका मिलेगा, वर्ल्ड कप 2019 में यहाँ के खिलाड़ी खेले हैं, लेकिन एक कमी थी इंडिया टीम में आने के लिए उनको एक जो आना चाहिए थे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, लेकिन अब उम्मीद करें आप आ गए हैं तो अब खिलाड़ी और आगे बढ़ पाएंगे। मैं हैं और आप इसमें कुछ वर्ड कर सकते हैं, क्रिकेट जो खेलने वाला है वो जिस यहाँ डिस्ट्रिक्ट के टीम में सिलेक्शन करेगा वो उसको फुलफिल करेगा, उसी में उसको मौका मिलेगा। राजस्थान के खिलाड़ी अंडर 19 में परफॉर्म भी कर रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janpahari.com पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।